worst she can say is no. No. But कृपया स्पर्श ना करें कोमल प्रदर्शनी. अच्छा. Hi guys, my name is Amit and my name is Gautam and welcome to चश्मिशो के नज़ारे. देखते रहिए. तो गाइस आज हमें बड़ी क्रेविंग्स हो रही थी यार साउथ इंडियन खाने की. मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ साउथ इंडियन का. तो हमने देखा ज़रा कहाँ फैला जाए. अच्छा साउथ इंडियन समझ ही नहीं आ रहा था यार, समझ ही नहीं आ रहा था. तो हम कहाँ गए? Zomato, क्योंकि हमारे बाद वही आता है. ठीक है. वहाँ पे देखा कि सबसे बेहतरीन और एकदम हाईएस्ट रेटेड साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है ग्रेटर कैलाश में और जिसका नाम है जगरनॉट. और ये 2017 एंड अ हाफ. गाइस आप सक्सेस देख रहे हो? 1986 लिखा होता है एस्टैब्लिश. सक्सेस ये वो और कुछ मत देख लेना, हम ये दिखाना चाह रहे थे. और यहाँ पे देखिए 2017 में एस्टैब्लिश है, टॉप रेटेड, इसे कहते हैं सक्सेस. यस. तो उससे मेरा क्या फायदा? बताते हैं खाना कैसा था और आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. आना चाहिए. चलिए चलते हैं अंदर. ओके. तो गाइस इस सुंदर से रेस्टोरेंट के अंदर हम घुस चुके हैं. नाउ आई शो, पीछे से आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा एस्थेटिक है, मतलब साउथ इंडियन एस्थेटिक है एकदम. और अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे से, बहुत ही प्यारा सजा हुआ रेस्टोरेंट है. इट इज़ अ 3-फ्लोर रेस्टोरेंट. नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देयर इज अ मतलब अगरबत्तीज एंड जो भी साउथ इंडियन सामान होता है वो मिलेगा. फर्स्ट फ्लोर पे देयर इज ईटरी, सेकंड फ्लोर पे आल्सो देयर इज ईटरी एंड ऑन द थर्ड फ्लोर देयर इज अ फैमिली डाइनिंग. तो वहाँ पे आई थिंक कुछ आपको फैमिली लंच या फैमिली डिनर वगैरह होस्ट करना हो तो वहाँ पे कोने की टेबल पे बैठे शर्मा शर्मा बोल रहे हैं. और सिंस आपको तो पता ही है हम बड़े बेसिक लोग हैं एंड वी डोंट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क. तो हमने आके बड़ी बेसिक चीज़ें ऑर्डर करी है. एक हमने मंगाया है अनियन टोमेटो उत्पम, एक हमने मंगाया है मैसूर मसाला डोसा, एक मंगाया है हमने जूस, मिक्स जूस, और एक फ्रूट जूस, एक मैं क्रिची लेमन सोडा. यस. एंड इट इज़ ऑल गोइंग टू कम. सबके प्राइसेज हम आपको बताने वाले हैं एंड ऑब्वियसली विल टेल यू अबाउट द टेस्ट ऑफ द फूड इज वेल. इट्स दिस गाय. ये वड़ा नहीं लग रहा है दोस्तों आपको? इसके मुँह, इसका मुँह ही वड़े जैसे लगने लग गया. देखो यार यहाँ पे आके, और मैं दही वड़ा. गाइस हमारे मील की शुरुआत हो रखी है और जो हमें वेलकम ड्रिंक में यहाँ पे सर्व हुआ है ब्यूटीफुल रसम. एंड ये जो आप बड़े से भालू को चबाते हुए देख रहे हैं, व्हाट इज दिस भालू? ये पापड़ है जिसको अपलम बोलते हैं. यस, दिस इज नाउ द करेक्ट टर्म. दिस इज कॉल्ड अपलम, अ वेरी फेमस साउथ इंडियन पापड़. यस, ये एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है और आई गेस हेल्दी, इनकी फ्राइड नहीं है. इट इज मेड ऑफ राइस और फ्राइड ही होता है. सही में? हाँ. ये फ्राइड तो नहीं है, फ्राइड होता है. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गाइस, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. तो पापड़ का तो आपको क्या ही रिव्यू दे, पापड़ इज ऑलवेज वेरी नाइस एंड दिस लुक्स एक्चुअली लग नहीं रहा है फ्राइड, काफ़ी इन्होंने ऑयल हटवा दिया है पापड़ में से, तो इट लुक्स वेरी लाइट. एंड द रसम गाइस, माय गॉड्स, आप तो एयर फ्राइड हो लग तो रहा है मेरे को. देख बिल्कुल भी, देख हाँ एयर फ्राई हो सकता है, अगर ऑयल होता तो थोड़ा बहुत कुछ तो हाथ में आता है, नहीं आ रहा, एयर फ्राइड हो सकता है. दैट इज़ करेक्ट. एंड गाइस दिस रसम मैं आपको बता रहा था, दिस रसम इज़ वेरी वेरी नाइस. मतलब गला वाला ख़राब है और आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आके ये रसम पी लो, यू विल बी परफेक्टली फाइन. मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो गाइस इस क्यूट कपल का खाना आ चुका है और अब ये क्यूट कपल खाना शुरू करने वाला है. तो हम आपको दिखा लेते हैं जरूर हमारा खाना दिख के सर है, बिकॉज इट लुक्स अमेजिंग जस्ट लाइक दिस बॉय लुक्स टुडे. एंड गाइस दिस इज द उत्पम. लाइक यू कैन सी इट इज सर्व्ड विद चटनी, नारियल की चटनी नहीं, इट इज सर्व्ड विद चटनी एंड नारियल की चटनी. इट इज सर्व्ड विद सांबर, नारियल चटनी, ग्रीन वाली चटनी एंड रेड वाली चटनी. एंड विद दिस दे गिव दिस सूजी का मीठा प्रसादम
जो ये हर आई थिंक हर डिश के साथ देते हैं अपनी. एंड देन हेयर कम्स द मैसूर मसाला डोसा विद द सेम कॉन्डिमेंट्स सांबर नारियल चटनी ग्रीन चटनी और रेड वाली चटनी. और वो जो आप दूर देख रहे हैं फ्रेम में दैट इज़ अ त्रिची लेमनेड. इट इज़ अ नॉर्मल लेमनेड जिसमें चाट मसाला और काला नमक ये सब है. और ये घूट भर चुके हैं भाई. बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली में. मतलब इसमें एक्चुअली में काला नमक काला मसाला है तो ये सारा बिल्कुल अलग से ही बहुत ही बहुत अच्छा है. मतलब देखो चीज़ के बारे में ओवर क्या ही बोले. आप आओ तो मस्ट ट्राई. बहुत बहुत अच्छा है. मतलब बहुत ही खट्टा है एकदम प्रॉपर है हर चीज़ बहुत बढ़िया. तो जिसको भी खटास पसंद हो अपने खाने में या पीने में त्रिची लेमनेड के साथ जाएँ. एंड गाइज ये मेरा मिक्स जूस है. इट इज़ लाइक एनी अदर जूस तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा. एंड नाउ हमारे जो पहले चश्मेश हैं वो मैसूर मसाला डोसा का आपको टेस्ट देके बताएंगे. सबसे पहले चटनियाँ ट्राई कर रहे हैं. चटनी बने बोले चटनियाँ सारी सबसे बहुत अच्छी हैं पर ये मेरे को सबसे अच्छी लगी ग्रीन वाली. ये पता है आपको सिर्फ अच्छे वाले साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में ही मिलती है. नॉर्मल में आपको ना हमेशा ये दो मिलते हैं. बट मैंने हमेशा ये नोटिस करी है कि अगर थोड़ा थोड़े भी किसी अच्छे में जाओगे साउथ इंडियन में ये मिलेगी मिलेगी. पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है कि थोड़े पैसे में ही मिलती खराब में और अच्छे में मिलती ही मिलती पता नहीं. बहुत बहुत अच्छी है. ध्यान से देखिए इस चटनी को. वो नहीं है ये दिखने में कि वो पुदीने चटनी ऐसा कुछ नहीं है. ये है वही मिंट वगैरह ऐड करा होगा. मिंट ऐड किया है यस. बट है नारियल चटनी है तो ये प्रॉपर मिंट की जो मिलती है ना पनीर टिक्का के साथ वो नहीं है. बहुत अच्छी है. सांबर की ओर बढ़ चुके हैं. सांबर बहुत अच्छा है यार. प्रॉपर सब्जियाँ पूरी मैश्ड अप है. मतलब मेरे को पसंद नहीं है सब्जियाँ थोड़ी बुरात दिख रही हूँ. तो प्रॉपर मैश्ड अप है. खट्टापन भी एकदम सही है और अभी बढ़िया मतलब मीठा नहीं है. बहुत अच्छा है. तो अब डोसे की तरफ बढ़ते हैं गाइस. जो हमारा स्टार है आज का कितना ऊपर से क्रिस्प लग रहा है. मसाला से थोड़ा बहुत काफ़ी अंदर का है. तो नाम तो सारा डोसा है लेकिन मसाले क्वांटिटी में कहते हैं वो कम है. हाँ. कि मतलब एक्सट्रीमली अंदर है. इट्स डीप. ये देखिए खोल दिया गाइस डोसा मसाला देखने के लिए उसका एकदम ही. और मुझे बहुत डीप जाना पड़ रहा है सब कुछ निकालने के लिए. ये आई थिंक आप पहली बार देख रहे होंगे ये टेक्निक मसाला निकालने की. बिकॉज मैंने तो पहली बार ही देखी है. क्योंकि मेरे को एक्चुअली टेस्ट करना था मसाला भाई. मैंने भी ऐसा कभी नहीं करा. ये फिर से अपनी फेवरेट चटनी लगा चुके हैं उसके ऊपर. मुंह में जाता नहीं है और इनको ऑर्गेजम आ जाता बहुत ही बढ़िया है यार. मतलब मसाला डोसा है काफ़ी अच्छा है. एक्सट्रीमली गुड है. इस जस्ट ना पता है आपसे किसी बातें करनी पड़ती है ना तो ठंडा हो जाता है. बाकी है बहुत अच्छा. मसाला एकदम प्रॉपरली कुक है. एकदम मसाला ओवर नहीं है. नमक मिर्च सब सही है. एकदम बहुत ही बढ़िया. और मसाला मैं बता दूँ इसमें आलू को मैश करके डाला हुआ. जो नॉर्मल मसाला होता है ना ऐसा नहीं कुछ और डाल दिया वही है. आलू का प्रॉपर मैच तो मतलब सिंपलिटी की तरफ हम गए हैं. मतलब हमने देखा है कि हाँ नॉर्मल चीज़ मांगेगी तो कैसी होती है. वो बहुत बढ़िया है. एक्सट्रीमली गुड है. और रिकमेंडेड है फ्रॉम अस. वाओ ट्राई करो. सिंपलिसिटी इज द बेस्ट. और गाइस ये डोसा देखने में इतना ब्यूटीफुल है तो खाने में 100% ब्यूटीफुल है. और अब हम बढ़ेंगे अपने उत्पम की ओर जो कि और भी प्यारा दिख रहा है. कैमरा में दे दीजिए. तो गाइस ये पहले जिसके बारे में नहीं बोलना चाह रहे थे पहले ये वही पीने जा रहे हैं. रसम के ऊपर जूस पीने का मजा ही कुछ अलग है. इन्हें अब चूसने की बहुत आया था इसलिए मस्त नहीं हो सकते. पूरा जूस निकाल लिया इन्होंने अंदर से. चूस चूस के जिंदगी में कोई काम नहीं. मैं हाथ से खाने वाला आदमी हूँ तो ये इसको रखते साइड में. बाकी सब चीज़ों के बारे में बात हो रखी है तो मैं सीधे सीधे बढ़ूंगा अपने उत्पम की ओर. मुंह में पानी आ रहा है एक्चुअली में कैसे इसे बोला जा नहीं रहा है. hmm.
That's the way I like it. बहुत मोटा नहीं है उत्पम और बहुत पतला भी नहीं है. That's what she said. That's the way I like it. And filling इसमें काफी सारी है. So the filling is really nice. The taste is really nice. And it is. Is it creamy? Very evenly. काफी evenly पकाया हुआ है. हर जगह से कुकड है. Yes, आप देख भी लो, मतलब काफी दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है एकदम बिल्कुल. और मोटा नहीं है, कई लोग मोटा कर देते हैं उत्पम तो अच्छा नहीं लगता है. क्योंकि मोटा अगर खाओगे ना तो मतलब उसमें एक्चुअली बस चावल चावल टेस्ट ज़्यादा आएगा और आपको वो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा. चटनी के साथ दबा रहा हूँ. तो गाइज मैं आज आपको बताता हूँ कि फिल्टर कॉफ़ी पीने का सही तरीका क्या होता है. हाउ फिल्टर कॉफ़ी इज मेंट टू बी ड्रंक. यू पुट इट इन दिस. You give it a little swirl so that ये थोड़ी ठंडी हो जाए. ये मैं सिर्फ हाथ घुमा रहा हूँ, अंदर कॉफी नहीं घूम रही है, मैं बता दूँ. And then you, oh, मैं बता रहा हूँ, this is the most कड़वी filter coffee that I have ever had. And this just tells you how good the coffee beans are. क्योंकि जितना बढ़िया कड़वे होते हैं ना उतने बढ़िया होते हैं, जितना मुझे पता है कॉफ़ी के बारे में. प्लीज डोंट जज मी, ज़्यादा नहीं पता है मुझे. बट दिस इज़ हाउ यू ड्रिंक फिल्टर कॉफ़ी. आई रियली लाइक इट. अगर किसी को मीठा पसंद तो प्लीज़ इसमें चीनी डाल के पिए, नहीं तो आपको तो बहुत बुरी लगने वाली है ये. फॉर स्वीट हार्ट्स. सो गाइज, खाना कंप्लीट हो गया है. मैंने खाया डोसा, इसने खाया उत्पम और हम दोनों ने पी फिल्टर कॉफ़ी. और साथ में मैंने एक और चीज़ पी थी, वो क्या थी, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, कमेंट्स में बताइए. और पाइए हमसे मिलने का मौका. बिल्कुल, मुझसे मिलने का मौका आप ऐसे ही पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा. तो गाइस, ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा रेटिंग अगर हम बोले 515 थी. खाना, सर्विस और क्लीननेस और सब थिंग, सब चीज़ बहुत 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 ही अच्छा था. तो आओ यार, मतलब सबसे बड़ी बात, फैमिली प्लेस है तो अपनी फैमिली के साथ आओ, प्रॉपर डिनर करो. हमने दिखाया तो साउथ इंडियन है, बट उनके मेन्यू में सब कुछ था, नॉर्थ इंडियन भी था, जैसे छोले भटूरे, पाव भाजी, ये सब चीज़ भी थी. तो मैं भी वो भी ट्राई कर सकती हूँ. हमने जान भी ट्राई नहीं क्योंकि हम आए थे सिर्फ क्या साउथ इंडियन खाने. एंड आई एम डेफिनेटली ब्रिंगिंग माई मॉम डैड हेयर बिकॉज दे आर अ फैन ऑफ साउथ इंडियन. एंड अगर सिमिलरली आपके घर में कोई भी आपके दादा दादी चाचा चाची मामा मामी पापा मम्मी साउथ इंडियन के फैन है तो प्लीज़ उन्हें यहाँ लेके आइए बिकॉज दिस प्लेस इज़ वर्थ द हाइप. इसका नाम है जगरनॉट, विच मीन्स अनस्टॉपेबल फोर्स. और यहाँ पे जितने लोगों को सर्व किया जा रहा है, मतलब 10 o'clock पे हम लोग आए थे, स्टिल द होल रेस्टोरेंट वॉज फुल. तो बहुत लोग खाते हैं यहाँ पे एंड इट इज़ वर्थ द हाइप. बहुत अच्छा खाना था. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और बने रहिए हमारे दिल के प्यारे चश्मिशों के नजारे. बाय गाइस.